इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सिट विद लाइक माइंडेड पीपल, इट इज इम्पॉर्टेंट टू सिट विद नॉलेजेबल एंड पीपल हु कैन एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट एज वेल एज दे कैन एक्सेप्ट अग्रीमेंट. क्योंकि लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठेंगे ना तो हम वन ट्रैक में ही सोचेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि सब एक ही जैसे सोच रहे हैं तो कोई दूसरा ट्रैक ही नहीं मिल रहा है. पर अगर हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो कि हमारे थॉट को भी चैलेंज करते हैं बार बार, तो थिंक अफ्रेश, तो थिंक अन्यू. अभी मैं सीरीज देख रहा हूँ डॉक्टर हाउस, जहां पे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक सन की डॉक्टर है पर जीनियस है, और वो हर बार एक डेविल्स एडवोकेट की तरह किसी ना किसी की खिंचाई करता रहता है पूरे टाइम अपनी टीम में. बट हर एपिसोड के बाद खत्म होते होते उसकी जो टीम में जो यंग डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं. व्हाई? बिकॉज़ ही इज ऑलवेज चैलेंजिंग देम. गुड आइडिया है, बेटर कैसे हो सकता है? बेटर आइडिया है, बेस्ट कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए. पीपल हु चैलेंज यू इंटेलेक्चुअली गिव यू द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट.